यूं तो एसआरके का खूब जलवा है, हर कोई उनकी एक्टिंग और सिग्नेचर पोज का दीवाना है। अब स्विट्जरलैंड में उन्हें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल से नवाजा गया। ये फिल्म फेस्टिवल ऑस्कर से भी पुराना है, जहां किंग खान का जलवा देखने को मिला। 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले वो पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं। हालांकि एक्टर का एक रेड कार्पेट वीडियो एक्स पर सभी का ध्यान खींच रहा है। इसमें दावा किया गया है कि उन्होंने सोलो फोटो के लिए पोज देते समय किसी को धक्का दे दिया, पर ये कितना सच है ये कहना जरा मुश्किल है। वहीं यहाँ एसआरके ने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी कर डाली। एसआरके ने यहाँ बताया कि वो अपकमिंग फिल्म किंग में अपनी बेटी के साथ नजर आने वाले हैं, जिसके लिए वो खूब मेहनत भी कर रहे हैं। वहीं इस फेमस फिल्म फेस्टिवल के 77 संस्करण में स्पीच देने के दौरान किंग खान ने अवार्ड का नाम बोलने में संघर्ष करते हुए अपने ह्यूमर से फिर से फैंस का ध्यान खींच लिया। मजाक के अंदाज में किंग खान ने कहा, ये पुरस्कार जिसे मैं जीवन भर कोशिश करता रहा हूँ, मैं उच्चारण नहीं कर सकता। फिर उन्होंने पुरस्कार का नाम बदल दिया। विनम्रता, दयालुता और अच्छाई के इतिहास में दुनिया में सबसे शानदार होने के लिए तेंदुआ पुरस्कार। वह शाहरुख खान का यही अंदाज उनके फैंस को दीवाना बनाता है। खान साहब इधर खान साहब सलाम अलैकुम खान साहब।